प्रथम तहलका न्यूज। रतिया में स्कूलों में क्रिसमस डे मनाए जाने को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है और इसके साथ ही उन्होंने 25 दिसंबर को इलाके में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किए जाने की भी आशंका जताई है। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्कूल संगठन के अध्यक्ष को एक ज्ञापन देकर स्कूलों में क्रिसमस डे मनाने के स्थान पर गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों के बलिदानों को याद करते हुए कार्यक्रम के आयोजन करने का आग्रह किया है। वहीं धर्म परिवर्तन की आशंका के चलते एसडीएम को भी ज्ञापन देकर 25 दिसंबर को एक निजी पैलेस में होने वाले आयोजन पर रोक लगाने की मांग की है। बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें आशंका है कि 25 दिसंबर को रतिया में निजी पैलेस में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसमें गरीब लोगों को प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा सकता है। उन्होंने इस संबंध में एसडीएम को एक ज्ञापन देकर इस आयोजन को होने से रोकने का आग्रह किया है। आज एसडीएम साहब को ज्ञापन इस विषय पे दिया गया कि ईसाई मिशनरियों द्वारा बड़े स्तर पर एक आयोजन किया जा रहा है जिसमें हिंदू समाज के गरीब तबके के जो परिवार हैं उनको प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है और ऐसी जो ये खेल है पिछले कई वर्षों से चल रहा है। आज रतिया के अंदर अवैध रूप से चर्चाएं चल रही हैं, अवैध रूप से धर्मांतरण का खुला खेल खेला जा रहा है और प्रशासन को इसके लिए हम चेताने आए हैं। आज इसके ऊपर पूर्ण तरह से रोक लगे, नहीं तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता वहाँ पर जाकर उनका विरोध करेगा और जाकर वहाँ पर कोई किसी तरह का कोई विवाद बढ़ता है तो उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। स्कूलों में भी ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं? हाँ, कल हम जिला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला प्रधान गोस्वामी जी को भी हमने लिखित में ज्ञापन दिया है भी स्कूलों के अंदर जो ईसाइयत का प्रचार जो किया जा रहा है, क्रिसमस डे के नाम से वो मनाया जाता है, बच्चों को एक जोकर नुमा ड्रेस पहना दी जाती है और मानसिक रूप से ईसाइयत की तरफ धकेलने का जो काम करते हैं स्कूल, उनको रोकने के लिए हमने आज जिला जो अध्यापक जो जिला स्कूलों के निजी स्कूलों के प्रधान हैं उनको भी एक लिखित शिकायत दी है भी स्कूलों को रोकने का काम करें और उन दिनों में चार साहिबजादों का जो जीवन है उनके बारे में बताए कैसे वह धर्म के लिए हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए और धर्म को नहीं छोड़ा और वीर हकीकत राय, ऐसे महापुरुषों की जीवनी पढ़ाई जानी चाहिए और ईसाइयत का प्रचार प्रसार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 25 तारीख को भी एक बड़े स्तर पर जो है तो हाँ उसी विषय को लेकर एसडीएम साहब को हमने आज शिकायत दी है भी जो ये धर्मांतरण का अड्डा है और ये चर्चें जो अवैध रूप से प्रलोभन देकर धर्म को परिवर्तन करवा रही हैं हमारे हिंदू समाज के लोगों का, इसलिए उसकी हमने आज इनको लिखित में शिकायत दी है। एसडीएम साहब ने कहा है, आश्वासन दिया है कि अगर वो ऐसी कोई हरकत पाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर प्रोग्राम होता है तो क्या आपकी तरफ से कह रहे हैं? प्रोग्राम हम होने नहीं देंगे, किसी भी हर हाल में नहीं होने देंगे, हम वहाँ पर जाके उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। बजरंग दल के 20 से 25 सदस्य आज ज्ञापन लेकर मेरे ऑफिस में आए थे, उनको एक आशंका है कि धर्मांतरण यहाँ होने वाला है तो इस पर रोक लगाई जाए, तो मैंने उनका ज्ञापन पढ़ा और मैंने SHO को निर्देश दे दिए हैं कि किसी का भी कोई भी यदि कोई ऐसी घटना उनके संज्ञान में आती है तो उसमें तुरंत से तुरंत कानूनी कार्रवाई करें। सर, एक निजी पैलेस में भी सर ऐसा कार्यक्रम 25 तारीख को सुनने में आ रहा है कि होगा? चलिए, मैंने SHO को कह दिया है, वो निजी पैलेस वालों से भी संपर्क कर लेंगे। यदि कोई, वैसे तो कोई धर्मांतरण धक्के से करवा नहीं सकता, यदि कोई ऐसी बात होती है तो SHO साहब इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रथम तहलका के लिए रतिया से सुनील कुमार की रिपोर्ट।